मक्का में हज के दौरान 98 भारतीय तीर्थयात्रियों ने गंवाई जान। विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, इस साल हज के दौरान 98 भारतीयों की मौत हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सभी मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई हैं। लगभग 10 देशों ने हज के दौरान 1081 मौतों की सूचना दी है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जिसे सभी मुसलमानों को कम से कम एक बार पूरा करना चाहिए। योग भारत का गौरव, विश्व हमारी सांस्कृतिक विरासत को अपना रहा है। राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां स्ट्राइक एक कोर मुख्यालय के प्रशिक्षण केंद्र में सैन्य कर्मियों के साथ योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और स्ट्राइक एक कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल संजय मित्रा के साथ वरिष्ठ अधिकारियों, अग्निवीरों, सैन्य कर्मियों के परिवारों और बच्चों सहित करीब 600 लोग शामिल हुए। देश में टमाटर की कीमतें 100 के पार, कई राज्यों में 50 रुपये किलोग्राम तक बढ़े दाम। देश में टमाटर की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला रहा है। देश के 17 राज्यों में टमाटर की कीमतें 50 रुपये से ऊपर चली गई हैं, जिनमें 9 राज्य ऐसे हैं जहां टमाटर की कीमतें 60 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा है। वहीं 4 राज्यों में टमाटर के दाम 70 रुपये से ज्यादा है। सिर्फ एक राज्य ऐसा है जहां पर टमाटर की कीमतें 100 रुपये के पार चली गई हैं। दिल्ली NCR में मानसून को लेकर IMD ने दिया बड़ा अपडेट। बीते दिनों कई इलाकों में मौसम में करवट के साथ कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश देखी गई है। इससे लोगों को भीषण गर्मी से हल्की राहत मिली है। IMD के अनुसार दिल्ली NCR सहित आसपास के इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर किया इनकार, NTA से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 में काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर इनकार कर दिया और परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की अवकाश पीठ ने नई याचिकाओं को लंबित याचिकाओं के साथ अटैच कर दिया है और उन पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय की है। UGC का बड़ा फैसला, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी समेत 157 को घोषित किया डिफॉल्टर। UGC ने मध्य प्रदेश की 7 सरकारी यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर बताया है। इसके साथ ही देश की अन्य 157 यूनिवर्सिटीज को भी डिफॉल्टर घोषित किया। इनमें 108 सरकारी यूनिवर्सिटी, 47 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। UGC का कहना है कि इस लिस्ट में आई यूनिवर्सिटीज ने लोकपाल नियुक्त नहीं किया, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। बाजार में आई गिरावट, सेंसेक्स 269 अंक गिरकर 77,209 के स्तर पर बंद। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 269 अंकों की गिरावट के साथ 77,209 के स्तर और निफ्टी में 65 अंकों की गिरावट रही, ये 23,501 के स्तर पर बंद हुआ। सरकारी बैंक के शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक टूटा, वहीं निफ्टी भी 120 अंक की गिरावट के साथ 23,450 के स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर पर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जून को समाप्त सप्ताह में 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इससे पूर्व के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.30 अरब डॉलर के उछाल के साथ 655.82 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था।